जाने समझे ज्ञान वास्तु शास्त्र का पृथ्वी अग्नि जल वायु स्थान आकाश का ओम वास्तु पुरुषाय नमो नमः। खुद ही समझो खुद ही जानो कहता है क्या घर आपका। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ नेहा शर्मा। एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ हमारे इस बहुत ही खास कार्यक्रम जिसका नाम है कहता है क्या घर आपका। तो मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं क्योंकि अब आप टीवी स्क्रीन के सामने इसलिए चिपक के बैठे हुए हैं क्योंकि वायु कोने के बारे में यहां पर जानकारी दी जा रही है। पिछले एपिसोड्स में आपने बहुत कुछ जाना वायु कोने के बारे में, आज के भी इस एपिसोड में बहुत सारी बातें बताएंगी कि वायु में पानी होने से क्या होता है, कटा हो तो क्या होता है, वायु कोना बड़ा हो तो क्या होता है, ये सारी आपको जानकारी देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं हमारे साथ मौजूद वास्तु एक्सपर्ट मिस्टर महेश ज्ञानी जी का। ज्ञानी जी स्वागत करते हैं आपका। नमस्कार। ज्ञानी जी, मैं आज आपसे वायु के बारे में बहुत सारी बातें जानना चाहूंगी, तो आप मुझे ये बताइए, शुरुआत ही कर लेते हैं जल्दी से, कि वायु में अगर पानी हो, पानी की टंकी हो, सेप्टिक टैंक हो या कुछ भी हो तो क्या होता है? पढ़िए। जरूर, मैं वास्तुसार पुस्तिका जो कि खुद ज्ञानी जी ने लिखी है इसमें मैं पढ़ के सुनाती हूँ। वायु कोने में पानी होने से आपके मित्र कम होंगे, दूसरा कानूनी समस्या भी आती रहेगी और एकलता भी देगा। आपके मित्र कम होंगे, चूंकि ये किताब है तो किताब में मैं ये भाषा नहीं लिख सकता हूँ कि आपके दुश्मन अधिक होंगे। अच्छा, वो लिखना थोड़ा ठीक नहीं लगता है जी। लेकिन जैसे ही मैं ये लिखता हूँ कि आपके मित्र कम होंगे का मतलब ये है कि आपके दुश्मन ज्यादा होंगे जी। दूसरी बात यह है कि यह एकलता भी देता है और कानूनी समस्याएं भी देता है जी। कानूनी समस्या में कोर्ट मैटर भी आ सकती है और डिपार्टमेंट के लिटिगेशंस भी आ सकते हैं जी। ठीक है, और ये जागृत होता है 15 साल के बाद। ये जो व्यवस्था है ये 15 साल के बाद जागृत हो जाती है जी। और 15 साल के बाद आपको पता चलेगा कि आप अकेले भी हैं, आपके शत्रु भी ज्यादा हैं। हाँ। और आपके कोर्ट मैटर भी लगी हुई है। एक भाई साहब ने जब ये बात सुनी तो टीवी पर ऐसे ही बात सुनी थी, बड़ौदा के ही थे तो मिलने आए जी। बोले ज्ञानी जी एक बात बतानी है आपको। मैं कहा बताइए। बोले आपने ये जिक्र किया कि वायु कोने के अंदर पानी की टंकी हो या पानी का संग्रह हो जी। तो कोर्ट मैटर आती है। बोले एक बार मैं रास्ते से गुजर रहा था तो मेरे आगे एक आदमी रोड पर पड़ा हुआ था जी। उसका कोई एक्सीडेंट हो गया था, मेरे रोड को क्रॉस जाते जाते से 1-2 मिनट पहले। मैं रुक गया, उसकी हालत देखी तो मुझे ऐसा लगा कि अगर इसको आधे घंटे में कोई ट्रीटमेंट नहीं मिली तो शायद ये मर जाएगा। तो मैंने उसको अपनी गाड़ी में डाला जी। और गाड़ी में डाल के जनरल अस्पताल ले गया जी। सरकारी अस्पताल। तो सरकारी अस्पताल में आपको ये बताना पड़ता है कि आप कौन है जो पेशेंट को लेके आता है, उसको अपना आइडेंटिफिकेशन देना पड़ता है जी। ताकि अगर पुलिस को कल को कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। तो उन्होंने अपना सब आइडेंटिफिकेशन जो देना था वो दे दिया और वो चले आए पुलिस के हवाले और डॉक्टरों के हवाले पेशेंट को करने। उसको कोई मतलब ही नहीं था, उसका तो यही मतलब था कि भैया उसने राह चलते इंसान की मदद कर दी, जो बात उसको ट्रीटमेंट मिल जाए टाइम से। हाँ। बात यही थी। 3 महीने के बाद में एक पुलिस वाला इनके घर पे आता है समन्स लेके कि आपको पुलिस चौकी पे बुलाया है बयान देने के लिए जी। बोले क्या बात है? वो तो बोले पुलिस चौकी आओ तो पता चलेगा। ये गए भाई साहब तो इनको ये पता चला कि जिस व्यक्ति को इन्होंने अस्पताल में दाखिल कराया था कि वो बच जाए, उस व्यक्ति ने इसके ऊपर केस किया था कि मेरी घड़ी, सोने की चेन और सोने की अंगूठी ये आदमी चुरा के ले गया जो मुझे लेकर आया यहाँ, आप समझे। और उसकी एक कोर्ट मैटर भी डाल दी थी और इस आदमी को कोर्ट में जाना पड़ा कि ठीक है। इसने जाके कहा भैया ऐसा है कोर्ट में जाके कि मेरे पास 50 अंगूठियां हैं और 50 चेन है, मैं कोई इंतजार नहीं करता हूँ कि कोई रास्ते में गिर जाए और उनकी चेन निकाल लो। और अगर मुझे चेन ही निकालनी थी तो मैं चेन निकाल के अंगूठी निकाल के चल पड़ता ना आगे, तो मैं ऐसे अस्पताल थोड़ी लेके आता हूँ। पर ये बात भी कहने के लिए, उसे अपने आप को डिफेंड करने के लिए भी एक बार कोर्ट में जाना पड़ा।
बोले ज्ञानी जी ना लेना ना देना, आ बैल मुझे मार वाली बात हो गई, ठीक है। हालांकि इस बात से डर के हम किसी रास्ते में अगर कोई पड़ा है, इस बात से डर के हमें ये नहीं करना चाहिए कि भाई किसी की मदद नहीं करो। वाकई में अगर कोई रास्ते में पड़ा है तो मदद करनी ही चाहिए, फिर भले एक बार पुलिस चौकी जाना भी पड़ जाए तो जाए आओ, भले एक बार कोर्ट में जाना भी पड़ जाए तो जाए आओ। ये नहीं कि आपने ये तय कर लिया कि भैया ऐसा अगर हो जाता है तो, आमतौर पर ऐसा होता है। इनफैक्ट सरकार जो है वो एक बिल पास करना चाह रही है अभी कि जो पुलिस को कोई रिपोर्ट करता है कि भाई रोड पर लाश पड़ी है जी, आप आगे की कार्यवाही करो, या ये हो गया आप आगे की कार्यवाही करो, तो जो बताते हैं पुलिस वालों को उनको बड़े परेशानी होती है। पुलिस डिपार्टमेंट की ही तरफ से उनसे बहुत सारे सवाल किए जाते हैं, कुछ इस तरह के जैसे मानो उन्होंने ही कोई गुनाह किया है। तो आजकल एक बात चल रही है पार्लियामेंट में कि ऐसा कोई बिल पास हो जाए जहां जो बताने आते हैं कम से कम उनको प्रोटेक्टेड रखा जाए और उनसे ऐसे सवाल जवाब या ऐसा व्यवहार न किया जाए कि जैसे वही गुनहगार है। तो उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए पुलिस चौकी जब वो जाते हैं, बल्कि उनका धन्यवाद करना चाहिए कि भाई आप आए, आपने अपना समाज का कर्तव्य पूरा किया, हम आपके आभारी हैं। एक और किस्सा छोटा सा है, बड़ा है पर छोटे में बता देता हूँ। हम एक अंकल जी के घर गए थे, उनके एक छोटा सा पॉन्ड बनाया था, लोटस पॉन्ड बनाया था वायु कोने में मकान के, और वो अंकल और आंटी 75 साल के थे, घर में अकेले रहते थे। अग्नि का प्रवेश था, वायु में पानी था, वैसे ही एकलता का योग बनता है और अकेले पानी भी एकलता का योग देता है। मैंने अंकल जी से पूछा, अंकल जी कितने साल हो गए इस पॉन्ड को? बोले 30-40 साल हो गए। बड़ा आदमी था, बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, रिटायर होके बैठा था, उसका लड़का अमरीका चला गया था, दो हस्बैंड वाइफ रहते थे। अब हस्बैंड वाइफ 75 साल के, उनको कौन मिलने आएगा? तो एकलता तो लगी हुई थी। मैं अंकल जी से पूछा, थोड़ा उनकी मेमोरी लॉस भी उम्र के हिसाब से, कोई कोर्ट मैटर है? नहीं। मैं कहा अंकल जी कोर्ट मैटर तो होनी चाहिए आपके। नहीं नहीं, मेरे कोई कोर्ट मैटर नहीं। बोले क्यों? मैं कहा होनी चाहिए, अब आप मना कर रहे हैं तो ठीक है, आप शास्त्र के नियम का भंग बता रहे हो तो कोई वजह रही होगी, पर मेरे नियम अनुसार होना चाहिए। दूसरे दिन उनका फोन आया, बोले महेश जल्दी आ तू वापस। मैं कहा अभी कल ही तो आया था आपके यहाँ। नहीं, तू जल्दी आ। बोले मुझे बहुत सारे कोर्ट मैटर याद आ गए, कल मुझे पता नहीं क्यों याद नहीं आए, लेकिन मुझे बहुत सारे कोर्ट मैटर याद आए। तो क्या हुआ? तो बोले मेरा लड़का पढ़ने के बाद गुजरात रिफाइनरी में जॉब पे लगा, और वो जो जॉब था उसमें वो ट्रेनिंग में लगा था, तो उसने 5 साल का बॉन्ड किया था कि आप मुझे 2 साल की ट्रेनिंग दोगे, उसके बाद 5 साल हम नौकरी करेंगे। पर बोले तो उसने वो बॉन्ड साइन कर दिया था, तो बोले अचानक उसको अमेरिका जाना हुआ, तो उसने बॉन्ड का नियम भंग करके वो अमेरिका चला गया। अब जैसे ही कंपनी को पता चला कि आपने नियम भंग किया, तो कंपनी ने कोर्ट में केस डाल दिया कि हमने आपको ट्रेन किया, खर्चा किया आपके पीछे, और आप तो रहे ही नहीं हमारे साथ, हमारी कंपनी के लिए तो आपने कोई काम ही नहीं किया जी। तो अंकल को जाना पड़ा था कोर्ट में, और वहां 70,000 रुपये दंड जुर्माना भर के आना पड़ा। 70,000 रुपीज वो कंपनी वालों ने क्लेम किया था, तो वो उन्होंने भर दिया। फिर बोले एक मेरा केस चल रहा है इसी प्रॉपर्टी को लेकर के, मेरे भाई के साथ, सगे भाई के साथ जो मुंबई में रहता है, तो उसने केस डाल रखा है कि इसमें मेरा हक बनता है। तो बोले वो हमारे वकील जाते रहते हैं, तो वो मेरे को ध्यान नहीं था, पर हमारा वकील है वो तारीखें भरता रहता है। पर बोले ये जो पास की जो जगह है इसमें मुझे जाना पड़ा इस उम्र में, तो पास की जो जमीन थी, प्लॉट था समझे 500 गज का, तो उन्होंने अपने मित्र को बुलाया, बोले 500 गज की कीमत क्या होगी? तो बोले साहब 800 रुपए फुट, उस जमाने की बात। तो 800 रुपए फुट तो तब होगी जब अपार्टमेंट बनेगा। बोले हाँ अपार्टमेंट ही बनेगा इस पे, तो जमीन महंगी हो गई है। बोले नहीं, हमको यहाँ पास में अपार्टमेंट नहीं चाहिए, यहाँ सब आसपास बंगले हैं, कोई अपार्टमेंट हो जाएगा हमें नहीं मजा आएगा, हमको तो बंगले में रहने की आदत है, बंगले ही होने चाहिए आसपास। तो साहब बंगला बनवाओगे तो 300 रुपया मिलेगा इसका, ठीक है 300 रुपये वाला ग्राहक ले आओ, लेकिन सौदे का जो मेन मकसद होगा वो ये होगा कि इस पर अपार्टमेंट नहीं बनेगा, ठीक है। बोले ठीक है साहब, तो 300 रुपये मैं खरीदता हूँ। तो 300 में उन्होंने खरीद लिया, 2 लाइन दस्तावेज में लिख दी गई कि इस प्लॉट के ऊपर कभी अपार्टमेंट नहीं बनेगा, ये सौदे का कोर है जी। ये इसकी वजूद है, इसका वजूद क्या है कि इस यहाँ अपार्टमेंट नहीं बनेगा। उन्होंने आगे 400 रुपये में किसी और को बेच दिया। देखो भाई
ये जो दस्तावेज है इसमें ये लिखा है, इसका हमारे सौदे का वजूद क्या है कि आप अपार्टमेंट नहीं बनाओगे। उसने कहा ठीक है जी मैं अपार्टमेंट बनाऊ। उसने आगे भेज दिया 600-700 में, लेकिन उसने आगे कहा ही नहीं कि भाई अपार्टमेंट। अब जिसने खरीदा महंगे में 1500 में, उसने वहां अपार्टमेंट बनाया। अब ये डॉक्यूमेंट्स हर सरकारी दफ्तर में जाते हैं, पर सरकारी दफ्तर में किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो 15-20 पन्ने पढ़े और उसमें भी वो दो लाइन पढ़े। तो ठीक है जी डॉक्यूमेंट है तो सही है, डॉक्यूमेंट हो गया तो सही है। तो किसी ने अब पास हो गया ये नक्शा, ये लाइन पढ़े बगैर ये पास हो गया। अब नक्शा पास हो गया, जिसने महंगा खरीदा उसने तो इसी भाव से खरीदा कि मैं अपार्टमेंट बनाऊं, और वो पाये खोद रहा है और अंकल जी सोच रहे हैं कि बंगला बनने जा रहा है, कि पाये इतने अंदर क्यों जा रहे हैं। तो पूछा तो बोले साहब अपार्टमेंट बन रहा है। अंकल जी बोले क्या बात कर रहे हो, अपार्टमेंट बन रहा है, कैसे बन सकता है अपार्टमेंट। बोले अपार्टमेंट बन रहा है, जिसने खरीदा है वो बन रहा है, बना रहा है जी। तो अंकल को कोर्ट में जाना पड़ा कि भैया मैंने ये चीज 300 रुपए में बेची 800 वाली, तो मैं बेवकूफ नहीं हूं कि मैं 800 का माल 300 में बेचूंगा। इसलिए बेची थी 300 में कि यहां अपार्टमेंट नहीं बनेगा, तो ये अपार्टमेंट बन कैसे रहा है, तो पहले तो स्टे ले आओ, इस काम को रोको, मुझे पता चलना चाहिए कि क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है, ठीक है। तो बात हो गई विवाद वाली, बात हो गई कोर्ट मैटर वाली। फिर क्या हुआ, आ बैल मुझे मार, ठीक है। बात तो वही आ गई कि आप कोर्ट में नहीं जाना चाह रहे थे, लेकिन आप जबरदस्ती विवाद में आ गए और आपको कोर्ट में जाना पड़ा। तो ये कोर्ट मैटर कैसे आती है, ये सामने से आ जाती है। अब अगर आप सरकारी अफसर हैं और आपके डिपार्टमेंट में कोई इंक्वायरी आ गई है कि आपके बॉस ने कोई ढूंढ निकाला कि भाई आपने यहां कोई चोरी चपाटी की है, और आपके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी इसी दायरे में आता है वायु के पानी, तो वायु का जो पानी है वो गोल घूम करके आपको कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी में या डिपार्टमेंट के बॉस के सामने सफाई पेश करो, जिसको शो कॉज नोटिस बोलते हैं, तो वो शो कॉज नोटिस का आपको जवाब देना पड़ता है। तो वहां आप उस चक्कर में आ जाते हो वायु में पानी होने से। इसलिए शास्त्र के नियमों का पालन करके, जहां शास्त्र ने कथन दिया है कि भाई यहां पानी होना चाहिए यहां नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए के पीछे अनेक कारण होते हैं, ठीक है ना। तो शास्त्र सिर्फ ये नहीं है कि द्वार कहां से आ रहा है, या शास्त्र सिर्फ ये नहीं है कि घर के अंदर हवा बिजली हवा और उजाला आ रहा है, शास्त्र के अनेक पहलू हैं। ये शास्त्र है, यानी इसकी पता नहीं कितनी पोथियां लिखी हुई होंगी जी। पता नहीं कितने इसके स्क्रिप्चर्स होंगे, पता नहीं कितने इसके ग्रंथ बने होंगे। आज तो हमारे नजर के सामने तो एक भी नहीं जी, है जी, जी। हमें तो पता ही नहीं कि इसके ग्रंथ कहाँ हैं, ठीक है। मुगल लूट के ले गए, अंग्रेज लूट के ले गए, मोहम्मद गजनी ने जला दिए, हमें नहीं पता है कि इसका क्या हुआ। तो शास्त्र बहुत पुराना है, तो इसके स्क्रिप्चर्स आपको बहुत कम मिलेंगे, और अगर कोई स्क्रिप्चर है तो उसके अंदर सिर्फ ये लिखा गया है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि ऐसा नहीं होगा तो क्या पनिशमेंट है। पनिशमेंट की बात कहां लिखी गई है, सिर्फ इस ग्रंथ में लिखी गई है। वास्तुसार नाम की जो किताब है, इसमें लिखा गया है कि ऐसा जब नहीं होगा, गलत व्यवस्था होगी, तो क्या होगा आपके जीवन के साथ, वो यहाँ लिखा हुआ है। मतलब वो जो थोड़ा सा पानी जो उन्होंने लोटस पॉन्ड जो खूबसूरती जो घर खूबसूरती के लिए बंगला तो था ना, थोड़ा सा पानी होगा, जाहिर सी बात है ज्यादा पानी तो होगा नहीं। वो जो पॉन्ड था वो करीब 12 फुट का या 15 फुट का डायमीटर का, अच्छा बड़ा पॉन्ड था, और उसमें करीब 2-2.5 फुट गहरा। तो ज्ञानी जी वायु में पानी होना ही नहीं चाहिए, वायु में पानी नहीं होना चाहिए, वायु में टॉयलेट बाथरूम होने चाहिए, हो सकते हैं, लेकिन टॉयलेट बाथरूम अगर हम देखा जाए तो पानी की व्यवस्था तो वहाँ भी होती है। होती है, लेकिन फिर भी वायु के अंदर पानी टॉयलेट बाथरूम अलाउ किया गया है, तो मैं वही जानना चाहती हूँ। पानी तो पानी तो वहाँ भी है, मुझे भी नहीं मालूम है, ये मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन वायु में पानी टॉयलेट बाथरूम अलाउड है, वायु में अग्नि भी अलाउड है, वायु मकान के अंदर, मैं मकान के अंदर है टॉयलेट, और मकान के बाहर भी हम टॉयलेट देते हैं, लेकिन हम सेप्टिक टैंक वायु कोने में नहीं देते हैं, सेप्टिक टैंक हम वायु और उत्तर के बीच में देते हैं, सेप्टिक टैंक हम वायु और पश्चिम के बीच में देते हैं, आप समझे। तो वायु के अंदर टॉयलेट अगर है तो शायद इसलिए अलाउ किया होगा क्योंकि उसकी जो बदबू है, उसकी जो बू है, वो क्रॉस होकर के निकल जाए, आपके घर में ना आए, ठीक है। अगर आप समझो साउथ वेस्ट में दे रहे हैं तो साउथ वेस्ट से विंड्स आती है ना, विंड्स कहाँ से आती है, साउथ वेस्ट से आती है। अब साउथ वेस्ट से विंड आती है तो पता चला कि साउथ वेस्ट में आपने टॉयलेट दिया है, तो पूरी बदबू घर के अंदर फैल रही है, आप समझे कि नहीं।
टेक्निकली अगर देखा जाए तो शास्त्र का कथन यह है कि टॉयलेट आपके घर में होना ही नहीं चाहिए, पर आप टॉयलेट अगर आप घर में नहीं रखोगे तो लोटा लेकर कहाँ जाओगे? ठीक है, अभी तो ये संभव ही नहीं है कि जब लाल किला बना तो राजा अकबर भी लोटा लेकर ही जाता था। मांडवगढ़ में मांडू में जो महल बना रानी रूपमती का, तो रानी रूपमती भी अंधेरे अंधेरे लोटा लेकर ही जाती थी, तो हर कोई जाता था। और वो लोग भले उन्होंने लाल किला बना दिया, भले उन्होंने महल बना लिए बड़े बड़े और बहुत खूबसूरत ऐसी ऐसी इमारतें, ठीक है ताजमहल बन गया उसी जमाने का, पर उस टाइम पे टॉयलेट थोड़ी होते थे घर के अंदर, क्योंकि वो जानते थे कि टॉयलेट जो है वो एक वास्तु दोष है। पहले भी हमने बात करी है कि अगर कोई कहेगा कि ज्ञानी जी 100% वास्तु आधारित मकान बना के दो, तो मैं कहूंगा 100% नहीं बन सकता है, 75% बन सकता है। अगर आपको 100% बनाना है तो आपको फिर बाहर जाना होगा, ठीक है, या सामने एक और अलग प्लॉट लेना पड़ेगा जहां आपको सुलभ शौचालय बनाना पड़ेगा और उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वो तो मतलब अभी तो क्या रिवाज ही अलग हो गए ना, बदल गए ना। पहले लोग घर में खाना खाते थे और बाहर टॉयलेट करने जाते, अब लोग बाहर खाना खाते हैं और घर में टॉयलेट करने के लिए आते हैं, ऐसी वाली बात है। ज्यादातर लोग घर में घर से बाहर ही खाना खाते हैं, खाना ही पड़ता है। मैं खुद सफर करता हूँ इतना, तो क्या करते हैं हम लोग, बाहर ही खाना करते हैं। तो ज्यादातर लोगों को, आप जॉब करती हैं आपको क्या करना, बाहर ही खाना खाना है। तो जॉब आजकल सब लोग कैरियर ओरिएंटेड हो गए, हर किसी को बाहर खाना पड़ता है, अब घर जाके खाना कौन बनाए? तो ज्यादातर लोग फिर हफ्ते में 4 दिन शाम का खाना भी बाहर ही खा लेते हैं, ये कल्चर हो गया है। अमेरिका में तो कुकिंग फैसिलिटी ना के बराबर है, घर में सिर्फ सैटरडे संडेज के लिए थोड़ी बहुत होती है, लोग कुक थोड़ी करते हैं। अगर आप भी पूज्य दादाजी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिखने वाले नंबर पर अपनी समस्या या रोग बताकर परम गुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ये सेवा निःशुल्क है। हमारा पता है वास्तु एसोसिएट्स, 65 संपत राव कॉलोनी, RC दत्त रोड, वडोदरा, गुजरात। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं 09879108652 5354, 0898000570606162 6364, 0992504811। हमारे फोन नंबर है 02652354112। हमारा फैक्स नंबर है 02652354113। हमारी ईमेल आईडी महेश ज्ञानी @yahoo.com।